चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। तो हम बनाने को कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे ऑल पिन की मदद से, अच्छी तरीके से जब आप सेट कर लें, और देन उसके बाद हम अपने मोबाइल फ़ोन को कैमरे को ऑन करेंगे और लाइट लगाएंगे इसके ऊपर। येलो कलर का चार्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, तो हम लोग अच्छी तरीके से अपने फ्रेम को सेट करेंगे और देन हम अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक कर लेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम एक कैप्टन ले लेंगे, देन डलिया ले लेंगे और कुछ इस तरह से अपने एप्पल को हम रख लेंगे और फिर अपने मोबाइल फ़ोन को मतलब कैमरे को ऑन कर लेंगे और देन हम अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करेंगे। तो अच्छे तरीके से अपने फ़ोन के कैमरे को सेट कर लें और फिर हम अपनी फ़ोटो को क्लिक कर लेंगे। तो चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। हम इस ग्लास का यूज़ करके, कांच के ग्लास का यूज़ करके हम फ़ोटो को अपनी क्लिक करेंगे, ऐसा लगेगा उसमें से धुआं निकल रहा होगा। और देन हम स्काई की तरफ ले जाएंगे अपने ग्लास को और कुछ इस तरीके से रखेंगे। आपके सामने जब भी कभी ऐसा स्काई दिखे तो आप फटाक से इसी फ़ोटोज़ को क्लिक कर लें और देन अच्छी तरीके से अपने फ्रेम को सेट कर लें और फिर हम लोग फटाक से अपनी फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। तो चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। कुछ इस तरीके से हम चावल के दानों से कुछ इस तरीके का इंटरफेस बना लेंगे और कैमरे को उसके ऊपर रख देंगे। और बेसिकली मैं वैसे अपने फ़ोन से ही फ़ोटो को क्लिक करता हूँ, तो अपने फ्रेम को अच्छी तरीके से आप सेट कर लें और देन अपनी फ़ोटो को क्लिक कर लें। तो चलते हैं अपने पाँचवें स्टेप की तरफ। हमें चाहिए होंगे बनाना दो जो ऊपर से जुड़े हुए हों और इनके ऊपर हम पिक्सार्ट से एडिट करेंगे कुछ इस तरह की फ़ोटो, और इनके ऊपर हम PNG लगाकर बहुत ही अच्छी फ़ोटो लगेगी ये जब आप इसे एडिट कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से आप एडिट करना, इसके ऊपर हम इमोजी लगाएंगे, वो आपको गूगल पे सर्च करने के बाद मिल जाएंगे। तो आप अपने कैमरे को ऑन कर लें और देन अपनी फ़ोटोज़ को हम लोग क्लिक करेंगे। तो फ़ोटो को क्लिक कर लें।